देश की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया है। कंपनी ने 2 करोड़ यात्री वाहन बेचने की उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसने 37 साल से कम समय में ये उपलब्धि हासिल की। कंपनी ने 14 दिसंबर 1983 को भारत में अपनी पहली पैसेंजर कार की बिक्री की थी। कंपनी ने देश में पहली मारुति 800 के मॉडल को सड़क पर उतारा था। कंपनी को पहली 1 करोड़ कार बेचने के लिए लगभग 3 दशकों का वक्त लगा। बाकी 1 करोड़ कार कंपनी ने महज 8 साल में बेच दी।